अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसजी किचन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजलो करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं अपने किचन में ऊंट के गोश्त की कढ़ाई बनाने जा रही हूँ। बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही हेल्दी होता है ये गोश्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से हमारी मजेदार सी कढ़ाई तैयार होगी। कढ़ाई बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैं हाफ कप घी ले रही हूँ, आप ऑयल भी ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी जैसे कि गरम हो गया, इसमें साबुत गरम मसाले डालेंगे। एक कदर मैंने बड़ी इलायची ली है, दो मैंने छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, थोड़ी सी काली मिर्च ली है, एक तेज पत्ता और तीन अदद लौंग लिए हैं। इन मसालों को कुछ सेकंड तक हम रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। ऊंट का मैंने गोश्त लिया है, 1 kg ये गोश्त है। बिस्मिल्लाह फ्रेंड्स, 1 kg मैंने ऊंट का गोश्त लिया है। इसको हम घी में उतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद हम अपने बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स गोश्त का कलर चेंज हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े साइज के प्याज, 1/2 tablespoon लाल मिर्च पाउडर, नमक हसबे ज़रूरत। ऊंट का जो गोश्त होता है वो नमकीन होता है, इसलिए नमक आप कम यूज़ करें। 1 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 teaspoon कुटी लाल मिर्च, 1.5 teaspoon धनिया पाउडर, 1.5 tablespoon लहसुन अदरक और हल्दी का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 दरमियाने साइज़ के इस तरह कटिंग किए हुए टमाटर, सब्ज़ मिर्च का जो इस्तेमाल है वो हम बाद में करेंगे, और 1 से 1.5 glass इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसे 20 मिनट के लिए प्रेशर पे कुक होने के लिए रख देंगे। जैसा कि फ्रेंड्स 20 मिनट हो गए थे, तो मैंने गोश्त को अब एक कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 cup के करीब दही। दही के साथ ही हम डालेंगे 3 अदद ब्रिक ब्रिक कटिंग की हुई सब्ज़ मिर्च। अब हम इन्हें अच्छे से भूनते जाएंगे। बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनेगी दही के साथ, और बहुत ही मज़ेदार ये ऊंट की कढ़ाई तैयार होगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम इसे भूनते जाएंगे। अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर 1/2 teaspoon, 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा फ्रेश सब्ज धनिया। तो माशाल्लाह से कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये ऊंट के गोश्त की कढ़ाई पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।